गतिलेखन अभ्यास 33 80 शब्द प्रति मिनट। श्रीमान, मुझे आश्चर्य होता है सरकारी पार्टी उसका श्रेय लेना चाहे तो ले, विरोधी पार्टी के लोग भी इसमें जिस होड़ में लगे हुए हैं। यह एक खतरनाक खेल है और इस खतरनाक खेल में हम सारे देश को झोंकते जा रहे हैं। इससे हमें लगता है कि हमारा भविष्य एक भयावह संकट की ओर चला जा रहा है। सभापति जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। इस उपमहाद्वीप में हम क्या चाहते हैं? क्या हम एक दूसरे पर बम चलाकर अपने को विजयी घोषित कर सकेंगे? लाहौर पर जो बम गिरेगा तो अमृतसर का क्या होगा? हम कहते हैं हमारे मित्र और हम लोग पुराने समाजवादी हैं। हम बोलने में बड़ा विश्वास रखते हैं और वाणी की स्वतंत्रता हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं कभी कभी, कर्तव्य के लिए वाणी को विश्राम भी देना चाहिए। इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम लोग उस परंपरा को भूल ही नहीं पाते हैं। वाणी खुली हुई हो, चाहे मौके बेमौके जो बोलना हो बोल दें, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। अटल जी एक बार बड़ा बम बनाकर उसके बाद संतुलित हो गए, मुझे प्रसन्नता हुई। संतुलित भाषा में जब वह बोले, लेकिन आडवाणी जी को क्या हो गया? वह भी ललकारने लगे, जैसे कि पुरुषार्थ की परंपरा इस देश में फिर से जाग गई हो और वह राजस्थान की परंपरा भूल गए। इस मिट्टी को लेकर, जिस मिट्टी में पता नहीं कोई विषाक्त कण ही पड़ा हो, उसको लेकर वह कहाँ जाना चाहते हैं? इस तरह लोगों के मन में जज्बात पैदा करके इस देश में एक गलत होड़ पैदा मत कीजिए। हथियारों की होड़ पैदा करके दुनिया के अनेक देशों ने अनेक क्षेत्रों में बर्बादी का नज़ारा देखा है, और क्या इस देश में भी यही काम होने जा रहा है? क्या हुआ दुनिया के दूसरे गरीब देशों में? इसी प्रकार बड़े लोगों ने इस प्रकार के उत्साह उन लोगों के मन में जगाए और जगाकर एक दूसरे को लड़ाकर अपने हथियार बेचे। मैं नहीं जानता कहीं किसी कोने से कहीं कोई हमको भी ना उकसा रहा हो। मैं किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन एक और अणुबम का विस्फोट होता है तो मन में यह शंका पैदा होना कोई गलत बात नहीं होगी कि हम दस्खत
करती हैं या नहीं।